Hello dear students, welcome again in my channel. So today my topic of discussion is very important. In my last video we have discussed about phytohormones and what are the basic characteristic features of phytohormone, that is the plant hormone. I told you the plant hormones are also known as plant growth regulators, phytohormones. Okay, so aaj se student hum log padhne wale hain ki we have five types of plant hormone: auxin, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड. और मैं सारे हार्मोन्स का एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको उसके बेसिक फंक्शंस और उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगी. ऑक्सिन की अगर बात करें तो ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू ग्रो. ऑक्सिन तो ऑक्सिन का दूसरा नाम स्टूडेंट्स होता है रूटिंग हार्मोन. हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सिन के साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पर है, ऑक्सिन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है. स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि ऑक्सिन की जो साइट है सिंथेसिस की वो है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम. शूट में सिंथेसाइज होता है, साम बोल देते हैं हम लोग, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम लोग बोल सकते हैं साम. दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि इसकी कुछ अदर साइट्स भी हो सकती है सिंथेसिस की. मेजर साइट तो होगी साम, लेकिन कुछ और साइट्स है जैसे राम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, कुछ यंग लीव्स हो सकती हैं और सीड हो सकते हैं एंड डेवलपिंग फ्रूट्स हो सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऑक्सिन को हम लोग बेस्ट ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, तो ऐसा पॉइंट मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे. इट इज कॉल्ड एज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ हार्मोन. दूसरी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, दूसरा पॉइंट कि ये हाइट को बढ़ाते हैं. दे विल इंक्रीज द हाइट, हाइट इंक्रीमेंट होगी यहाँ पर ऑफ प्लांट. प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? बाय सेल इलोंगेशन. आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि हाइट बढ़ेगी तो लेकिन सेल इलोंगेट करके बढ़ाएंगे, स्पेशली कहाँ पर? शूट्स पे. तभी तो मैंने आपको सिंथेसिस में बताया, साइट ऑफ सिंथेसिस में शूट, दैट विल बी टी. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बताते हैं कि ये डिस्कस करते हैं कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को भी प्रमोट करता है. और एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये हाइट की इंक्रीमेंट करेगा. स्टूडेंट दो तरह की डोमिनेंस होती है, एपिकल और लेटरल. अगर हम किसी प्लांट की इस तरीके से हाइट को बढ़ा रहे हैं, सपोज यहाँ पे इतनी हाइट थी और अब हमने इतनी कर दी है, तो ये एपिकल ग्रोथ हो रही है. और अगर हम इसकी विड्थ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो उसकी लेटरल ग्रोथ होगी, जो कि हम लोग अभी फर्दर आगे पढ़ेंगे साइटोकाइनिन अदर हार्मोन्स में. आपको अभी स्टूडेंट्स इतना पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि ऑक्सिन कैसी ग्रोथ कराएगा. एपिकल ग्रोथ कराता है, एपिकल डोमिनेंस के लिए फेमस. दूसरा पॉइंट आता है हमारा टॉपिक ऑक्सिन का के बारे में ही कि ये ऑक्सिन जो है रूट इनिशिएशन कराते हैं, तभी तो इनको रूटिंग हार्मोन बोला गया है. आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, दे इंड्यूस रूट इनिशिएशन. कब कराएंगे? When applied to stem cuttings. Stem cuttings जब हम लोग लगाएंगे तो ये root को initiate करते हैं. Next point में auxin जो है flowering को भी promote करते हैं. They promote flowering and also prevent drooping. Drooping, drooping का मतलब गिर जाना, झड़ जाना, and also prevent drooping of roots. And leaves at early stages. आप सबको पता है स्टूडेंट, जब तक फ्रूट्स पूरी तरीके से राइपन नहीं होंगे तब तक उनका कोई यूज नहीं है. तो जब तक फ्रूट्स राइप होंगे, इनकी ड्रूपिंग ना हो, इसको बचाने के लिए हमारे पास एक हार्मोन है प्लांट के पास, उसका नाम है ऑक्सिन एट अर्ली स्टेजेस. एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको और बता दूं कि ऑक्सिन जो है फोटोट्रोपिज्म भी शो करता है. फोटोट्रोपिज्म का मतलब लाइट के टुवर्ड्स बेंडिंग. एक
तो ये ऑक्सिन जो है एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जैसे कि शूट टिप में प्रोड्यूस हो सकता है. जब इनके ऊपर लाइट फॉल होगी तो ऑक्सिन मूव करेगा शेडेड साइड ऑफ स्टेम और इलोंगेशन करेगा, और जो सेल्स टुवर्ड्स सन साइड होंगी वो रिमेन सेम साइज की होंगी. इस वजह से बेंडिंग कॉज होगी प्लांट में टुवर्ड्स लाइट. तो फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट भी आप याद रखेंगे, फोटोट्रॉपिज्म सिंथेसिस होगी, लाइट इंडिपेंडेंट है लेकिन ये इनकी फोटोट्रॉपिज्म. तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही था ऑक्सिन हार्मोन के बारे में. और आप याद रखें ये ग्रोथ प्रमोटर है. ग्रोथ इनहिबिटर्स हम लोग पढ़ेंगे दो है, एथाइलीन और एब्सिसिक एसिड. ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों के तीनों क्या है? ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. मतलब यहाँ पे सेल डिविजन होगा तो सेल साइज बढ़ेगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, एलोंगेशन होगा, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड, ये सारे फंक्शंस ये सिंथेसाइज करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. बहुत ही शॉर्ट मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ जानने हैं क्लास 10th लेवल के लिए. और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे दूसरे हार्मोन के साथ जिसका नाम है जिब्रेलिन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. आई होप वी विल मीट सून. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट. बाय बाय, टेक केयर.